हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ रेटिसेंट एब्रिविएशन सीखते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके शॉर्ट फॉर्म हमेशा प्रयोग में आता है और बहुत ही प्रचलन में है। जैसे आज हम लोग कुछ जो रेटिसेंट एब्रिविएशन सीखेंगे वो यहाँ पे है। जैसे पहला है अकाउंट। ये बैंकिंग का जो अकाउंट्स होता है, बैंक का जो अकाउंट होता है, उसके लिए प्रयोग होता है, स्मॉल ए ऑब्लिक स्मॉल सी। दूसरा वर्ड आता है कैपिटल ए कैपिटल डी, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। यानी कह सकते हैं कि जब लॉर्ड क्राइस्ट का या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है एडीसी। एडीसी ये फ्रेंच वर्ड है, ए डी कैंप। तो ये इसका अर्थ होता है हेल्पर या असिस्टेंट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैपिटल ए कैपिटल डी कैपिटल सी होता है। अब नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कैपिटल ए स्मॉल डी या फिर स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल वी और स्मॉल टी, ए डी वी टी। तो इस दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे तो वो या देखेंगे तो आप समझ जाइए कि वो एडवर्टीजमेंट है। नेक्स्ट है कैपिटल ए कैपिटल जी, कि अटॉर्नी जनरल है। ये जुडिशियरी में एक पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है AGM। AGM मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है आपका असिस्टेंट जनरल मैनेजर के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है AH, एनो हिग्रे। इसका ये प्रॉफिट मोहम्मद का जो फाइट हुआ था, फ्लाइट फ्रॉम मक्का टू मदीना AD 622 में यूज हुआ था इसका, वो AH है। नेक्स्ट यहाँ पे है AIDS, एड्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी हम लोग जानते हैं, सेक्सुअल डिजीज है एड्स, जिसका मतलब होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है AM, तो एंट मेरिडियम, इसको हम लोग जानते हैं पहले से ही, यानी दोपहर से पहले का समय को कहते हैं और दोपहर के बाद को PM कहते हैं, पोस्ट मेरिडियम। नेक्स्ट है NN। NN ये एनोनिमस के लिए प्रयोग होता है। A कैपिटल है, स्मॉल n, स्मॉल o, स्मॉल n, तो ये एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है जो ज्ञात नहीं हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, उसके लिए ये प्रयोग होता है। अज्ञात के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म एनॉन लिखते हैं। फिर A1 मतलब फर्स्ट क्लास, कैपिटल A उसके बाद बीच में हाइफ़न और वन लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट है AP मतलब एसोसिएटेड प्रेस के लिए आता है, कैपिटल A कैपिटल P। नेक्स्ट अप्रैल मंथ के लिए शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल A स्मॉल P स्मॉल R और फिर डॉट है, फुल स्टॉप जिसको कह सकते हैं आप। फिर कैपिटल A कैपिटल S कैपिटल A कैपिटल P, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जहाँ तक संभव हो सके, एज सून एज पॉसिबल। फिर है ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कैपिटल A कैपिटल T कैपिटल C, इसके फुल फॉर्म होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। नेक्स्ट है ATM, जो हम लोग जहाँ से पैसे निकालते हैं वो मशीन है, उसको, उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर है AV कैपिटल A कैपिटल V, इसका मतलब ऑडियो विजुअल। नेक्स्ट है A कैपिटल W कैपिटल A कैपिटल फिर C कैपिटल फिर S कैपिटल, एयरबोर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये फ्लाइट से रिलेटेड कोई टर्म है। फिर है यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल W कैपिटल O कैपिटल L, एबसेंट विदाउट लीव। जब एबसेंट विदाउट लीव लिखना होता है तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कैपिटल A कैपिटल W कैपिटल O और कैपिटल L, एबसेंट विदाउट लीव। तो आज हम लोग इतने एब्रिविएशन यहाँ सीखे। नेक्स्ट हम लोग कुछ B से स्टार्ट होने वाले एब्रिविएशन को सीखेंगे, फिर C से, और इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो देखते रहिए और पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और